भगवान नरसिंह की जयंती पर हिंदू जागरण मंच जिला बिलासपुर ने घुमारवि भगवान नरसिंह मंदिर से बिलासपुर नरसिंह मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हिमाचल हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महासचिव विशेष रूप से शामिल रहे। कमल गौतम ने कहा, हमें अपने सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रहे, इसके लिए निरंतर हमें अपने सनातन संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। जब भी कोई इस तरह का दिन हो जो हमारे सनातन से जुड़ा हो, उसमें सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। हिंदू जागरण मंच हमेशा हिंदू हित के लिए काम करता रहेगा। इस शोभा यात्रा में जिलाध्यक्ष अवतार, महासचिव प्रीतम, जिला संपर्क प्रमुख राजेश सोनी व जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। आज नरसिंह चतुर्दशी के दिन प्रतिवर्ष हिंदू जागरण मंच अपने आराध्य भगवान नरसिंह का प्राकट्य उत्सव पूरे प्रदेश भर में पूरी धूमधाम से मनाता है। आज जिला बिलासपुर में मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ रहने का इस कार्यक्रम में सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी को विदित है कि भगवान नरसिंह एकमात्र प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए नारायण के स्वरूप हैं, जिन्होंने अपने भक्ति रक्षा के लिए साक्षात जब भगत ने उनको पुकारा, उस समय सीधे जो है स्तंभ को फाड़ करके वो बाहर निकले और हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया और प्रह्लाद का उद्धार किया। और भगवान विष्णु का ये सबसे उग्र रूप है और इस उग्र रूप को शांत केवल उनके भक्त ही कर सकते हैं। जैसा कि इस कथा में भी वर्णित है कि प्रह्लाद के निवेदन के बाद ही भगवान विष्णु शांत हुए और उन्होंने प्रह्लाद को अपनी गोद में उठा करके उसे स्नेह दिया। इस प्रकार ये भगवान विष्णु का जो रूप है वो दुष्टों के लिए तो संहारक है, लेकिन दुष्ट संहारक होने के साथ साथ भगवान विष्णु नरसिंह रूप में जो है वो स्नेह वत्सल भी हैं और भक्त वत्सल। आर9 भारत से ब्यूरो रिपोर्ट।